Good morning, students. Today we will solve the exercise of chapter 7. Pick the correct word out of the option to fill the blanks. आपको ऑप्शन में से करेक्ट वर्ड को चूज करना है और फिलअप में लिखना है. नाउ रीड द सेंटेंस. डैश ऑफ द स्कूल्स इन द टाउन इज गुड. वी हैव थ्री ऑप्शन, ईच, दिस, आइदर. हमारा जो सब्जेक्ट है स्कूल्स, वो क्या है, हमारा प्लूरल है. तो प्लूरल अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट वी विल फिल द ब्लैंक. दिस इसमें नहीं फिल करेंगे हम, इसमें फिल करेंगे. आइदर जो आता है हमारा वो टू थिंग्स के लिए आता है, जब कंपैरिजन टू में हो, या हम टू थिंग्स की या टू पर्सन की बात कर रहे हो, तो यहां पर टू से ज्यादा है, यानी स्कूल्स की बात हो रही है, तो हम फिल करेंगे इसमें ईच. Each of the school in the town is good. Second, I gave him two book, but he like dash each of them. I gave him two books. मैंने उसको two books दी, but he liked. लेकिन he liked neither of them. लेकिन उसको कोई पसंद नहीं आई, तो इसमें हम फिल करेंगे neither. Okay. Number three, I have three cars and dash ऑफ देम इज वॉर्थ राइडिंग. तो यहाँ पर थ्री कार्स की बात हो रही है, टू से ज्यादा है ईच, तो आइदर यूज नहीं करेंगे और दैट भी यूज नहीं करेंगे, दैट सिंगुलर के लिए आता है. हम इसमें फिल करेंगे ईच. आई हैव थ्री कार, ईच ऑफ देम इज वॉर्थ राइडिंग. नंबर फोर, डैश इज द मैन हु बोरोड मनी फ्रॉम मी. तो इसमें हम ईच नहीं करेंगे, ईच इज इसमें हम दिस और दैट में से फिल करेंगे. तो दिस इज द मैन हु बोरोड मनी फ्रॉम मी. नंबर फिफ्थ, के डैश आर द पीपल हु क्रिएटेड द ट्रबल. हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम दिस और दोज और दीज में से फिल करेंगे, दैट को फिल नहीं कर सकते. तो दीज आर द पीपल हु क्रिएटेड द ट्रबल, दीज आर द पीपल. नेक्स्ट, आई हैव अ सेल फोन एंड अ बेसिक फोन, यू कैन यूज ईच आइदर दैट. तो टू फोन्स हैं उसके पास, एक सेल फोन है, एक बेसिक फोन है. यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हैं आइदर ऑफ देम, यानी कोई भी. तो यहां पर फिल करेंगे हम आइदर. नेक्स्ट, नंबर सिक्स, सेवन, डैश वर द एविडेंस ऑफ द थेफ्ट. हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारी प्लूरल में है, तो हम फिल करेंगे दीज. दीज वर द एविडेंस ऑफ द थेफ्ट. नंबर एट, डैश इज द हाउस वेयर आई वॉन्ट टू लिव. तो प्लूरल हम यूज नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हमारी सिंगुलर में है. सो इन दिस लास्ट सेंटेंस वी विल फिल दिस और दैट. So this is the house where I want to live. So our answer is this. Okay, now next exercise. Fill in the blank with appropriate demonstrative or distributive pronoun. So demonstrative or distributive हमें fill करना है. Demonstrative pronoun में आते हैं हमारे this, that, these, those और such. Distributive pronoun, each, either or neither. ये हमारे distributive pronouns होते हैं. So, according to sentence, we will fill. Dash is the pen which I bought at Shimla. तो हमारी जो helping verb है वो singular है. According to this, we will fill here this. This is the pen which I bought at Shimla. Second, dash of the boys has got a prize in the event. Boys हमारा जो subject है वो plural है, तो उसके according हम क्या fill करेंगे यहाँ पर? ईच, क्योंकि ज्यादा की बात हो रही है. अगर टू बॉयज की बात करते, ठीक है, तो हम आइदर यूज कर सकते थे. नेक्स्ट, डैश इज द रीजन व्हाई आई डिडंट ज्वाइन यू. सो दिस इज द रीजन, क्योंकि हमें सिंगुलर ही फिल करना है. दिस इज द रीजन व्हाई आई डिडंट ज्वाइन यू. नंबर फोर, डैश वर द डेज ऑफ माई यूथ. तो हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, तो इसमें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे प्लूरल में. दोज वर द डेज
दोज वर द डेज ऑफ माई यूथ. नंबर फिफ्थ, डैश ऑफ द सिटीज इज वर्थ विजिटिंग बिटवीन दिल्ली एंड चेन्नई. तो इसमें सिटीज जो दिल्ली और चेन्नई के बीच में जितनी भी सिटीज है सभी की बात की गई है, तो यहां भी हम फिल करेंगे ईच ऑफ द सिटीज, ईच ऑफ द सिटीज. नेक्स्ट नंबर सिक्स, देर आर टू ऑप्शन बिफोर यू, यू कैन चूज. टू ऑप्शन की बात की है तो यू कैन चूज आइदर ऑफ देम, कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं, आइदर ऑफ देम. नेक्स्ट, डैश वॉज द डे ऑफ माई एक्सीडेंटल मीटिंग विद हिम. वॉज सिंगुलर वर्ब है तो हम इसमें दैट वॉज द डे में फिल करेंगे हम, दैट वॉज द डे ऑफ माई एक्सीडेंटल मीटिंग विद हिम. लास्ट सेंटेंस, आई सिंस आई डिसलाइक बोथ द थिंग आई कैन टेक आइदर ऑफ देम, इसमें फिल करेंगे हम आइदर. के दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7, प्रोनाउन. डू इट इन योर बुक.